आप कैसे हो? आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं लेकर आया हूँ डी ब्रोगली परिकल्पना या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर में 2012-16-18 व्यू जहाँ से पूछा गया है। कोई भी अदर यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेन कहा जाए तो कंपनी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से संबंधित। तो आज आपको हम ले चल रहे हैं उस डी ब्रोगली परिकल्पना की ओर। हम डी ब्रोगली परिकल्पना को विद एग्जाम्पल के बताएंगे, स्टेटमेंट का प्रूफ करके। तो जो डी ब्रोगली परिकल्पना आए या डी ब्रोगली तरंगें, बात एक ही है। जो डी ब्रोगली हम वेवलेंथ के बारे में जानेंगे, मतलब डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, परिकल्पना क्या है डी ब्रोगली ने। हम जानते हैं कि प्रकाश लाइट होता है, वो कैसे उसकी लाइट होती है, वो क्या होता है, उसकी डुबल नेचर होती है लाइट की। कैसी होती है? प्रकाश डुबल नेचर का होता है, एक पार्टिकल की भांति भी व्यवहार करता है, और किसकी भांति? तरंग की भांति भी, वेव की भांति भी। इसी की बात को मद्देनजर रखती है डी ब्रोगली ने 1924 में अपना विचार रखा। 1924 में विचार रखा कि जो द्वितीय प्रकृति होती है डुअल नेचर, क्या डुअल नेचर? डुअल नेचर केवल प्रकाश में नहीं पाई जाती है, बल्कि है सभी गतिशील द्रव कणों में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या बताया 1924 में जर्मन के विज्ञानिक, कहां के? फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। पूरा नाम लुईस डी ब्रोगली। ठीक, तो जो लुईस डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है ना, उसी की बात को मद्देनजर रखती हुई 1924 में बताया कि जो डुअल नेचर होता है वो सभी किसमें पाया जाता है? गतिशील द्रव कणों में भी पाया जाता है। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो डुअल नेचर होता है ना, वो सभी गतिशील द्रव्य कणों में भी पाया जाता है। तो उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा क्या दिया, जो स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि कोई भी गतिमान पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल के साथ साथ एक उससे क्या संबंध रहती है? वेव, एक वेव रिलेटेड रहती है। कोई मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ एक क्या रिलेटेड रहती है? वेव। तो जो उस तरंग की वेवलेंथ होगी वो पार्टिकल की मोमेंटम द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हम चलते हैं डी ब्रोगली की तरंगदैर्ध्य की ओर। मतलब जो डी ब्रोगली ने परिकल्पना दी, क्या परिकल्पना दी? एक विशेष बात जो बहुत नॉलेज जीके के लिए क्वेश्चन है कि पूछा जाए अगर डी ब्रोगली को कब, डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस के लिए कब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो कब मिला था? 1929 में। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज। किस कार्य के लिए? डुअल नेचर ऑफ, किसके? गतिशील द्रव्य कणों के लिए। ठीक, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी गतिशील द्रव्य कण है, उसकी कैसा होता है? उसका डुअल नेचर होता है। तो हम स्टेटमेंट क्या, किसके अनुसार? डी ब्रोगली के अनुसार कि प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध रहती है। डी ब्रोगली ने यह बताया प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक क्या संबंध रहती है? एक तरंग संबंध रहती है, जिसे उन्होंने क्या कहा, जिसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली, जिसे हम डी ब्रोगली या उस कण से संबंध क्या कहते हैं, जिसे हम उस कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं।
इस प्रकार से डी ब्रॉगली ने क्या कहा, प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध रहती है, उसी को हम क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, उस कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग है। जो डी ब्रॉगली कोई भी पार्टिकल मूविंग कर रहा, गति कर रहा, उस पार्टिकल से संबद्ध जो तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, कण के संवेग द्वारा। तो यदि हम उस कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा मान लें और कण का संवेग कितना है पी, तो जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा बराबर कितनी होती है, एच अपॉन पी। क्या होती है, एच अपॉन पी। हमने पढ़ा लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है, ठीक। तो जो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी है, हमने क्या कहा, हम इसको व्यर्थ बताए थे, एग्जाम्पल शायद बताएंगे। कोई मान लो एक पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग पर मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक। तो मैंने इससे क्या बताया, इससे संबंधित क्या रहती है, तरंग। इससे संबंधित तरंग भी चल रही है इस प्रकार से, ठीक। या हमारा पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो इससे संबंधित क्या चल रही है, तरंग चल रही है। तो अब आप कहो कि हमने जी का भी तरंग तो देखी नहीं, हम भी तो चलते हैं, हमारे साथ एक तरंग संबद्ध हो, हम भी तो एक पार्टिकल या वस्तु की भांति हैं। या कोई मोटरसाइकिल जा रही और कौन से संबद्ध तरंग हमको देख कहां रही, तो हम यही तो है। आप इसे पूरा डिटेल जानने के लिए जरूर देखें वीडियो को, यदि वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक भी करें। तो हम इसको व्यर्थ उदाहरण से, हमें तरंग कब दिखती है कब नहीं दिखती है, तो हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य होती है किसी भी कण की, वो मास पर डिपेंड करती है, ना कि उसके कण के आवेश पर, ठीक। तो हम यही अभी सिद्ध करने जा रहे हैं। हम कोई दो पार्टिकल लेंगे, फॉर्मूला डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन में पी, ठीक, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। यदि एम द्रव्यमान का कण बी वेग से गति कर रहा तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन कितना हो जाएगा, एच बटे एम। कोई प्रॉब्लम, हमने जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निकाल ली, हमें अब एग्जाम्पल की ओर आपको ले चल रहे। आप साधारणता टेनिस फुटबॉल तो खेलते होंगे ना, सबका एक अच्छा खेल है, कोई क्रिकेट खेलता है तो कोई टेनिस खेलता है। तो हमने एक बहुत सूक्ष्म कण ले लिया, जिसे हम क्या जा इलेक्ट्रॉन, एक हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एग्जाम्पल क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे, हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक हमने कोई टेनिस की बॉल ले ली, ठीक, या हम फुटबॉल ही बोल सकते, हमने या फुटबॉल ले ली, फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लू आपको जो अच्छा लगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है बहुत सूक्ष्म कण है और टेनिस इसकी अपेक्षा बहुत बड़ा है, मतलब मास भी बहुत बड़ा है। अब हमें इन दोनों में वेवलेंथ की कंपेयर करना है, तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हम चलते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्यों नहीं दिखती। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन से चलता है तो उससे तरंग संबद्ध रहती है, ठीक। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है इससे संबद्ध तरंग इस प्रकार से, लेकिन हम चल रहे तो तरंग नहीं दिखती, बस वही हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी लैम्डा निकालेंगे तो एच अपॉन एम बी, उसकी द्रव्यमान की आवश्यकता होगी और वेग की। हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना जानते हैं, एम ई बराबर में 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम होता है, और प्लैंक नीतांक एच का मान 6.63×10⁻¹⁴ जूल इंटू सेकेंड होता है, और बी का मान जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो 3×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब प्रकाश का वेग का 1% होता है, प्रकाश के वेग का 1% निकालेंगे, मतलब एक तो इतना निकल आएगा। किस प्रकार से, बी बराबर होता है 1/100×3×10⁸, तब जी इलेक्ट्रॉन का वेग निकलता है, ठीक। अब हमें इसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, मान रख दो 6.63×10⁻¹⁴ बटे में एम का मान 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम गुणे बी का मान 3×10⁶। तो हम इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 2.43×10⁻¹⁰ मीटर, सॉरी तरंग दैर्ध्य का मात्र क्या होता है, मीटर। हमने इतना निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम, 2.43×10⁻¹⁰ मीटर। जिसकी तरंग दैर्ध्य आ गई, किसकी तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की। अब हमें टेनिस
हमने साधारणता एक टेनिस की बॉल है उसका हमने द्रव्यमान मान लिया, मान लो उसका द्रव्यमान है टेनिस की बॉल का 150 ग्राम, मतलब किलोग्राम में लिखेंगे 1000 का भाग देंगे तो 0.15 kg। और वो मान लो हम मैच भी खेल रहे साहब हमारा था गेंद का द्रव्यमान मान लिया इतना है लेट कर लिया, तो उसका हमने वेग मान लिया, मान लो इतने वेग से चल रही 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब एक सेकंड में 40 मीटर, तो इसका जो वेव तरंग कितनी निकलेगी, एच का मान रख दो 6.63 × 10⁻¹⁴, एम का मान रख दो 0.15 × 40, इसका मान भाग ये कितना हो जाएगा निकालेंगे 60 और भाग देंगे तो 1.1 × 10⁻¹⁴ मीटर इतना। अब आप बताओ कुछ, हमने भाई तो बताया था यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, यदि मास ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, आपको दिख रहा होगा इधर से जो लैम्डा और एम में संबंध है कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, मतलब इस मास का मान बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, मास का मान कम होगा तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा। हमने वही किया है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो 2.43 × 10⁻¹⁴ मीटर, लेकिन टेनिस की बॉल का इतना है जी 10⁻¹⁴ है जी 10⁻¹⁰ है ठीक, तो वेवलेंथ माइनस, अब जी घात कम है माइनस वाला जो होता है कम घात उससे बड़ा माना जाता है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा किसकी अपेक्षा, इस टेनिस बॉल की अपेक्षा, इससे सिद्ध होता है कि अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आप इससे बताओ 10⁻¹⁴ बना देखे ना, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके साथ एक तरंग सम्बद्ध होती है हमें दिखता है, लेकिन हम कहे जी तो हमने टेनिस की बॉल ली थी तो उसका हमने इतना केजी माना, अपन अपन को पता अपन कितने के हैं 60 किलोग्राम के, हम कहो हम दौड़े कैसे तरंग दिख जा, अब जी हमने जो जी बता 150 ग्राम में इतनी कम वेवलेंथ आई तो हमारी कितनी आएगी, इसलिए क्या नहीं दिखता हमें, हम चलते हैं तो क्या नहीं दिखती है, तरंग नहीं दिखती है, क्योंकि अगर यदि वस्तु का मास बढ़ता है तो क्या वेवलेंथ का मान कम आता है ठीक, जो वेवलेंथ होती है किससे किस पर डिपेंड करती, मास पर डिपेंड करती है ना कि उसके चार्ज पर आवेश पर ठीक। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।